अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सो यू हैव द मोस्ट वेलकम इन दिस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज। बेटा एज यू आर अवेयर अबाउट द टर्मोइल ऑफ कश्मीर, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में तो आपको पता था कि इंटरनेट वॉज स्नैप डाउन फॉर फ्यू डेज एज वेल एज द फोन्स। तो फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम नॉट डिलीवरिंग एनी लेक्चर। सो टुडे आई हैव अ लेक्चर फॉर बीजी फर्स्ट सेमिस्टर स्टूडेंट्स। एज वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस दैट वॉज दिस एजम्प्टोट्स, है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है ना, एक और टॉपिक आपके यूनिट नंबर सेकंड का, दैट इज सिंगुलर पॉइंट्स। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज मेंट बाय सिंगुलर पॉइंट, जो हमारा टॉपिक है ना। तो सबसे पहले क्या है हमारा टॉपिक, सिंगुलर पॉइंट्स, है ना। तो अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सिंगुलर पॉइंट क्या है। अगर हम देखेंगे ना यूजुअल मीनिंग सिंगुलर पॉइंट की, सिंगुलर मीन्स यूनिक, है ना। लेकिन अगर हम जाएंगे आप मैथमेटिकल डिक्शनरी में, ये मैथमेटिकल डिक्शनरी है ना, मैथमेटिकल डिक्शनरी में सिंगुलर कहते हैं कि सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व, सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व। अगर हमारे पास एक कर्व है, अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक्स और कोई पॉइंट पी पी ऑन कर्व है, हम इस पॉइंट को कहेंगे क्या, सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व क्या मतलब क्या है, दिस मीन्स सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व मीन्स एट दिस पॉइंट जो कर्व का बिहेवियर होगा ना, दैट विल बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व मीन्स द पॉइंट वायर द कर्व बिहेव समथिंग इन ए नेस्टी मैनर, जो उसका मैनर है ना, दैट इज बिहाइंड वट यू एक्सपेक्ट, दिस इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट मीन्स वायर द बिहेवियर ऑफ कर्व इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेरी नाइस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या बेटा आपने कहा ये वो पॉइंट है जहां पर कर्व का नेचर होगा समथिंग इन नेस्टी मैनर, नेस्टी मैनर। नाउ हैव यू गॉट दिस पॉइंट। तो बेटा जो सिंगुलर पॉइंट है ना, आपने कहा कि सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व, ए पॉइंट इज सेट टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कर्व वायर द कर्व बिहेव समथिंग इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर, या वन कैन से वायर द कर्व बिहेव समथिंग आउट ऑफ दिस इमेजिनेशन, या हम कहेंगे कि जहां पर जो कर्व का बिहेवियर है ना, दैट इज इन एन समथिंग इन ए नेस्टी मैनर, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ए सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर हमारे पास एक कर्व है, ए पॉइंट ऑन ए कर्व, ए पॉइंट ऑन ए एट विच टू ब्रांचेस आर मोर देन टू ब्रांचेस ऑफ ए कर्व पासिस, अगर हमारे पास एक कर्व है और उस पे पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे हम एक कर्व को दो या दो से ज्यादा कर्व पास होंगे, ए पॉइंट ऑन ए कर्व थ्रू विच टू आर मोर देन टू ब्रांचेस ऑफ ए कर्व पासिस इज कॉल्ड मल्टीपल पॉइंट्स, याद रखना, मल्टीपल पॉइंट। तो मल्टीपल पॉइंट मीन्स ए पॉइंट ऑन ए कर्व थ्रू विच टू आर मोर देन टू ब्रांच ऑफ कर्व पासिस, है ना। तो लेकिन बेटा जो मल्टीपल पॉइंट है ना, अगर मैं इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा, ए पॉइंट अगर हमारे पास एक पॉइंट पी ऑन ए कर्व थ्रू विच ऑनली टू ब्रांच ऑफ कर्व पासिस, बेटा सुनना, आपने कहा जो सिंगुलर पॉइंट है ना, ये एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट्स आर ऑल्सो मल्टीपल पॉइंट्स, सिंगुलर पॉइंट्स आर ऑल्सो मल्टीपल व्हाट इज मेंट बाय मल्टीपल पॉइंट। तो आपने कहा मल्टीपल पॉइंट्स मीन्स ए पॉइंट ऑन ए कर्व थ्रू विच मोर देन टू आर टू ब्रांचेस पासिस, है ना, मोर देन टू आर टू ब्रांचेस पासिस, ठीक। अब आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास कर्व में एक पॉइंट है, मीन्स एक सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन इस सिंगुलर पॉइंट में ऑनली टू ब्रांच ऑफ कर्व पासिस, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड डबल पॉइंट, यही है आपका टारगेट, डबल पॉइंट। तो अगर हम सबसे पहले जाएंगे ना इस पे, व्हाट इज मेंट बाय डबल पॉइंट, तो डबल पॉइंट एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट है जहां पर कर्व का नेचर समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्हिच इज बिहाइंड द एक्सपेक्टेशन। अब हम इसको डबल पॉइंट क्यों कह रहे हैं, आपने कहा डबल पॉइंट ऑन ए कर्व मीन्स थ्रू विच टू ब्रांच ऑफ कर्व पासिस, दिस मीन्स बेटा आपने कहा एट ए डबल पॉइंट ऑन ए कर्व, अगर हमारे पास एक कर्व है और इस पे डबल पॉइंट, इसका मतलब है वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स टू द कर्व, वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स, हम कर्व को दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक कर्व है, हम इसको दो टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, है ना, हम कर्व को दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। लेकिन जो ये बेटा दो टेंजेंट्स है ना, तो ये दो दो टेंजेंट्स हैं,
दे आर रियल, क्या होंगे बेटा? रियल, रियल और डिस्टिंक्ट। यस सर, एक ये ऑप्शन है रियल और डिस्टिंक्ट। दूसरे ऑप्शन आपने कहा सर रियल है लेकिन को इंसिडेंट मीन्स इक्वल। तीसरे ऑप्शन आपने कहा मे बी इमेजिनरी। तो बेटा जो ये डबल पॉइंट है ना, हमें इसी का जो हमारी एक्सरसाइज है ना, दैट इज जो आपका सिलेबस में है, दैट इज सिंगुलर पॉइंट। लेकिन सिंगुलर पॉइंट्स में दिया है हमें कि व्हाट इज मेंट बाय डबल पॉइंट एंड इट इज नेचर। तो हमें सिंगल जो डबल पॉइंट है ना, आपने कहा कि डबल पॉइंट को आपने सर तीन टाइप्स में डिवाइड किए। आपने कहा जो डबल पॉइंट है आने करो, इसमें दो टेंजेंट्स हम डाल सकते हैं, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। सर दोनों रियल होंगे और कोइंसिडेंट होंगे, सर दोनों इमेजिनरी होंगे। तो ऑन दिस बेसिस वी आर dividing this double point in three types and the double point has and we can discuss the nature on that basis. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या define किया? singular point. आपके syllabus में है singular points, वहाँ आता आपको 4 marks का question, define the term singular point. ठीक है, उसके बाद आपको होता है लंबा minus middle type का question, जो 7 marks या 8 marks वाले होते हैं, वो होता है बेटा find the nature of the double points. ठीक है, तो व्हाट इज मेंट बाय नाउ डबल पॉइंट? आपने कहा डबल पॉइंट इज एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट, बट इट इज अ पॉइंट ऑन अ कर्व थ्रू व्हिच टू ब्रांच ऑफ कर्व्स पासेस, या एट अ डबल पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ गिवन कर्व। दीज टू टेंजेंट्स मे बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, वेरी नाइस, दे मे बी रियल एंड कोइंसिडेंट आर इमेजिनरी। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ अ डबल पॉइंट। बेटा यहां तक क्लियर? डबल पॉइंट्स, तो बेटा आपने कहा जो डबल पॉइंट है ना, हम यहां पर वी हैव टू टेंजेंट्स है ना, टू टेंजेंट्स, वी हैव टू टेंजेंट एट दिस पॉइंट, हम इस पॉइंट पे दो टेंजेंट्स डाल सकते हैं। आपने कहा जो ये दो टेंजेंट्स है ना, ये दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब बेटा ये रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं ना, इस डबल पॉइंट को कहते हैं नोड। नोड मीन्स व्हेन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट अ डबल पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आपने कहा पहला जो टाइप है दैट इज नोड, दूसरा है बेटा आपने कहा जो टेंजेंट्स है ना सर वो रियल है बट को इंसिडेंट है ना, तो इस डबल पॉइंट को कहते हैं कस्प। कसब मीन्स व्हेन द टू टेंजेंट्स कोइंसिडेंट ईच अदर। और तीसरी ऑप्शन आपने कहा अगर टेंजेंट्स इमेजिनरी है, अगर सर टेंजेंट्स इमेजिनरी है तो देन इट इज कॉल्ड कंजुगेट। तो डबल पॉइंट्स का नेचर है ना, आपने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, तीन टाइप्स में, नोड, कसब, कंजुगेट। दिस इज अगर रियल और डिस्टिंक्ट है, अगर रियल बट कोइंसिडेंट है, अगर इमेजिनरी है। ठीक है बेटा, दिस इज हाउ वी कैन डिवाइड द डबल पॉइंट्स इन द डिफरेंट टाइप्स है ना। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर हमारे पास एक कर्व है, व्हाट इज द वर्किंग रूल, हाउ वी कैन फाइंड द नेचर ऑफ इट इज डबल पॉइंट्स एंड हाउ वी कैन फाइंड इट इज डबल पॉइंट्स। तो सी, डबल पॉइंट कहो या सिंगुलर पॉइंट कहो, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट इज मल्टीपल पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट इज डबल पॉइंट है ना। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है दैट इज सिंगुलर पॉइंट, लेकिन सिंगुलर पॉइंट्स को हम डिवाइड करते हैं मल्टीपल पॉइंट्स में थ्रू विच टू आर मोर देन टू ब्रांच कर, अगर दो ही ब्रांच होंगे तो देन इट इज कॉल्ड डबल पॉइंट। ठीक है ना, तो अब बेटा देखना वर्किंग रूल क्या है। वर्किंग रूल ये है कि अगर आप लोगों के पास एक कर्व है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास गिवन कर्व है, हमें इसका क्या निकालना है, डबल पॉइंट है ना। तो आपने कहा अगर सर हमारे पास गिवन कर्व है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, तो बेटा पहला स्टेप है हम निकालेंगे इसके पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल वाई है ना बेटा। हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकाले पहले स्टेप में। इसके बाद बेटा स्टेप नंबर सेकंड में, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, स्टेप नंबर सेकंड में आपने कहा सर जो ये डेल एफ बाई डेल एक्स है ना, हम इन पार्शियल डेरिवेटिव को जीरो के बराबर लेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई को किसके बराबर देंगे। जब आपने इनको इक्वेट जीरो किया ना, आपने इन इक्वेशन को सॉल्व किया बेटा, जब आपने इन इक्वेशन को सॉल्व किया ना, आपने यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट किया,
आपने यहाँ से x और y का वैल्यू कंप्लीट देखो बेटा, आपने कहा सपोज x कामा y मुझे मिला 0, 0 या सर मिला 2, 3 या मिला -5, 4 व्हाटसोएवर एंड दीस पॉइंट्स आर कॉल्ड डबल पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें इस डबल पॉइंट का नेचर चेक करना है, वेदर दिस इज नोड, वेदर दिस इज कसम, वेदर दिस इज कंजुगेट, और इसको हम किस कैसे करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड बेटा, हम इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे जो ये पॉइंट्स हमें मिले ना एक्स और वाई का वैल्यू, हम इस पे कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर। ठीक, हम बेटा इस पे कैलकुलेट करेंगे डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई, इजंट इट। हम इस पे वैल्यू करेंगे कैलकुलेट डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर का। ठीक है ना, आपको याद होगा जब मैंने आपको पार्शियल पढ़ाया मैंने कहा यूजुअली डेल एफ बाय डेल एक्स को लोग कहते हैं पी, है ना, डेल एफ बाय डेल वाई को कहते हैं क्यू, है ना, और डेल स्क्वायर एफ बाय डेल को कहते हैं आर, और डेल स्क्वायर इसको कहते हैं एस, और इसको कहते हैं टी, क्योंकि कुछ बुक्स पे ऐसे लिखा है पी क्यू आर एस टी, तो डोंट वरी। अब बेटा जब आपने इनका वैल्यू भी कैलकुलेट किया ना सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव का एट द गिवन पॉइंट्स, तो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है हम लेंगे एक डिस्क्रिमिनेंट वाली फॉर्म, सम पीपल आर कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज दिस। अगर हमें डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स डेल वाई का स्क्वायर एस का स्क्वायर, है ना, माइनस डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिला, अगर ये वैल्यू क्या मिला ग्रेटर देन जीरो, जो डबल पॉइंट होता है ना वो था नोड। ठीक, अगर बेटा इक्वल जीरो मिला दूसरी ऑप्शन तो कस, वेरी गुड, और बेटा अगर लेस देन जीरो मिला देन इट इज कंजुगेट। यही है हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेचर ऑफ डबल, बेटा आप क्लियर? यस सर। तो आपने कहा इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगर एस स्क्वायर माइनस आर टी हमें ग्रेटर लेस देन ग्रेटर इक्वल और लेस देन जीरो मिला, अगर ग्रेटर देन जीरो मिला नोड, अगर इक्वल जीरो मिला कसर, अगर लेस देन जीरो मिला कंजुगेट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नेचर ऑफ ए डबल पॉइंट। अब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगा सो दैट यू विल गेट। बोलना बेटा कुछ एग्जाम्पल कोई वाई स्क्वायर।